स्टूडेंट्स कैसे हैं। मैं संतोष कुमार शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर की पार्ट नंबर 16 के अंदर अपन बच्चे न्यूमेरिकल आज करेंगे। जो पार्ट नंबर 15 में पार्ट था उसके अंदर हमने एक न्यूमेरिकल किया था। कौन सा किया था? जिसके अंदर दो प्रतिरोध के सिरे दे रखे हैं जो एन है, उनके बीच हमने सर्किट जो बनाए थे खूब सारे, उन सर्किट के हमने रेजिस्टेंस जो निकाला था, तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला था। अब क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जो अपने उसके सीरीज के अंदर है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। ये क्या कह रहा है कि अपने पास तीन ऐसे प्रतिरोध दे रखे हैं, एक 1 ओम का है, एक 2 ओम का और एक है 3 ओम का है। तो इसमें अब बता रहा है कि मैक्सिमम तो कैसे होगा और मिनिमम कब होगा, यानी अपन किस क्रम में इनको जोड़ें कि मैक्सिमम आए और किस क्रम में जोड़ेंगे इसको मिनिमम आए। तो यदि आपको ध्यान हो, जब हमने सीरीज और हमने जब पैरेलल जो सीक्वेंस पढ़ा था, जो कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसका हमने सीरीज के अंदर हमने निकाला था कि आर तुल्य निकाला था R1+R2+R3, यानी सारे प्रतिरोधों का जो जोड़ हमने किया था, योग हमने किया था, सम हमने किया था, वो तो निकला था सीरीज के अंदर। और जो था अपना पैरेलल था उसमें हमने एक लाइन लिखाई थी कि जो तुल्य प्रतिरोध है समांतर क्रम के अंदर वो सबसे छोटे से भी क्या निकलेगा, कम निकलेगा। यानी यहाँ पर सीरीज के अंदर अपन जोड़ेंगे तब तो हो जाएगा 2 और 1 3, 3 कितना होना चाहिए 6 ओम मान होना चाहिए इसका। और मिनिमम निकालेंगे तो मिनिमम देखो इससे भी कम आना चाहिए। कब आएगा जब इसको अपन पैरेलल के अंदर अपन जोड़ेंगे, जब सॉल्यूशन करते हैं अपन के लिए, ठीक है। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? अपन सीरीज क्रम के अंदर अपन इसको जोड़ेंगे तब निकालेंगे। यानी 1 आर मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, R1+R2+R3। यानी अपन डायग्राम जैसे बनाएंगे तो अपने इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आर मैक्सिमम बराबर 1+2+3=600। ये तो आ गया अपने पास आर मैक्सिमम का। और मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पैरेलल के अंदर जोड़ना पड़ेगा। तो आर ये अपना आ गया मिनिमम का, फिर आर मैक्स हमें निकालना है। तो आर मैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, 1/1 आर मैक्स, क्योंकि समांतर क्रम का कोण ही होता है, 1/R1+1/R2+1/R3। यानी इसका डायग्राम भी अपन बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, एक दूसरा इस तरीके से आ जाएगा, तीसरा इस तरीके से आ जाएगा, और इसको अपन जोड़ेंगे, ये 1 ओम का आ जाएगा, ये 2 ओम का आ जाएगा, देखा जाएगा 3 ओम का अपने पास ये आ जाएगा, क्लियर। तो अपने इसका आर मैक्स निकालेंगे, आर सॉरी मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, तो आर मिनिमम 1/1+1/2+1/3, ठीक है। इसका अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यह आ जाएगा 6+3+2, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा आर मिनिमम, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.6। और ये कितना आ जाएगा अपने पास, आर मिनिमम 6/11। ये अपने पास दो आंसर आपके हैं। जब मैक्सिमम निकालना होगा तो अपने सीरीज के अंदर कर देंगे तो आ जाएगा 6 ओम, और मिनिमम में निकालना आ जाएगा तो क्या करेंगे अपन पैरेलल के अंदर अपन जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 6/11 आएगा। ये साइड में अपन इसका क्या कर सकते हैं, डायग्राम अपन बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था अपना सॉल्यूशन नंबर 2 का। उसके बाद में सॉल्यूशन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 कंडक्टर ऑफ 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी एक सीरीज क्रम के अंदर
तीन प्रतिरोध दे रखे हैं, एक ओम, दो ओम और तीन ओम के तीन प्रतिरोध हैं, जिनको अपन किस क्रम में जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, यानी जो प्रतिरोध है वो निकालना है, कितना आएगा। सबसे पहले तो आप इसके पूछे कि लेस देन वन, मोर देन वन, लेस देन थ्री ओम, मोर देन थ्री ओम, यानी एक से कम आएगा, एक से ज्यादा आएगा, तीन से ज्यादा आएगा, तीन से कम आएगा, ये निकालना है हमें इसमें सीरीज के अंदर। तो सीरीज में आपको मालूम होगा सारे के सारे प्रतिरोध क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो सीरीज के अंदर कितना दे रखा है, एक दो और तीन। तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाएंगे, ये यहां लिखेंगे एक ओम, यहां टू ओम, क्या निकालेंगे यहां पर थ्री ओम। इसका यदि आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, सीरीज के अंदर ध्यान रखें आप, वन प्लस टू प्लस कितना जाएगा थ्री, ये क्या आ गया आर इक्विवेलेंट। यहाँ आर इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा स्टूडेंट, सिक्स ओम। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, ये तो अपना आंसर आ गया, क्या है इसमें, ये मोर देन, देखो यहां पर लेस देन तो होगा नहीं, ये लिखा लेस देन वन, ये नहीं होगा, ठीक है। यहां लिखा मोर देन वन, हो सकता है क्योंकि एक से ज्यादा अपने पास छह ओम है। यहां लिखा लेस देन थ्री ओम, थ्री ओम से कम नहीं है, मोर देन थ्री ओम, ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में से हमें कौन सा टिक करना है, मोर देन वन करना है या मोर देन थ्री करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, यदि इसके अंदर मोर देन थ्री नहीं हो तो अपना ऑप्शन मोर देन वन जा सकता है, लेकिन यहां पर दोनों ऑप्शन देंगे तो अपने पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मोर देन वन या मोर देन थ्री। तो कौन सा करेंगे, मोर देन थ्री ओम करेंगे, क्योंकि टोटल कितना आ रहा है इसका, सिक्स ओम आ रहा है। ध्यान रखें पहले, सबसे पहले आप देखेंगे किस क्रम में जुड़वाया अगले ने, इसमें भी सीरीज और पैरेलल दोनों आएंगे, तो हमने दोनों कर रखे। और क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर अगले साफ साफ कह रखा है थ्री कंडक्टर, यानी तीन जो चालक तार है उसको हमने वन ओम, टू ओम एंड थ्री ओम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी किस क्रम में जोड़ रखा उन्होंने, सीरीज के अंदर जोड़ रखा है। जब सीरीज के अंदर जोड़ रखा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका प्रतिरोध निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट तो सीरीज के अंदर सब जुड़ जाएंगे, टोटल कितना आएगा, छह ओम आएगा। आज क्वेश्चन नंबर फोर अपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ईजी है और बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन गलत होता है स्टूडेंट्स का। गलत इसलिए होता है क्योंकि अपने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं और जानबूझ के अपन क्या करते हैं, इसको गलत करते हैं। जब आपके इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से सुने, ए पीस ऑफ वायर, यानी एक तार का टुकड़ा है, ध्यान रखें, ऑफ रेजिस्टेंस जिसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, आर ओम दे रखा है, क्लियर है। ये क्या कह रहा है कि एक तार का टुकड़ा है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज, यानी एक तार का टुकड़ा है जिसका प्रतिरोध कितना है, आर ओम है, इज कट इंटू फाइव इक्वल, यानी इसके पांच टुकड़े हमने कर दिए, बराबर बराबर पांच टुकड़े हमने कर दिए, कितना कर दिया हमने, पांच टुकड़े कर दिए हैं। ध्यान रखें पार्ट दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर उन पांचों टुकड़ों को हमने क्या कर दिया है, किस क्रम में जोड़ दिया है, कनेक्टेड इन पैरेलल क्रम में जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहां तक आप देखें, इसका पहले डायग्राम बनाएंगे तब आपको समझ आएगा, इससे पहले कुछ नहीं आएगा। ये क्या कह रहा है कि आर ओम का एक प्रतिरोध है जिसके हमने कितने टुकड़े कर दिए, पांच टुकड़े कर दिए, जब पांच टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़े का कितना आ गया है, आर बाई फाइव हो गया है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है। और फिर हमने इसे क्या कर दिया, पैरेलल के अंदर हमने जोड़ दिया। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं, तो ये डायग्राम अपने पास इस तरीके से बनेगा, एक दो तीन चार पांच, ये पांच प्रतिरोध, प्रत्येक का मान कितना है, आर बाय फाइव, आर बाय फाइव, क्लियर है, ये है आर बाय फाइव, आर बाय फाइव हमने इस तरीके से समानता ग्रहण कर जोड़। अब आगे पढ़ो, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डेज, यानी इसका अपन इक्विवेलेंट तो निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट क्या दे रखा है इसका, आर डेज दे रखा है, देन द रेशियो आर ओ आर डेज, यानी हमें आर ओ आर डेज की वैल्यू निकालनी है, नीचे हमने कहा 1/25, 1/5, 5 या 25 क्या आना है, क्लियर है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या आता है,
ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर निकालते हैं आर इक्विलेंट। आर इक्विलेंट को हमने क्या मान रखा है, इसने आर डेस मान रखा है। तो अपन यहां क्या लिख देंगे, अपन आर डेस पैरेलल में तो किसके आएगा, अपन में आएगा वन अपॉन आर डेस इक्वल टू वन अपॉन क्या है आर वन अपॉन आर टू अपॉन आर थ्री वन अपॉन आर फोर वन अपॉन आर फाइव। क्लियर है, तो वन अपॉन आर वन का मान कितना स्टूडेंट आर बाई फाइव दे रखा है, प्लस वन अपॉन आर बाई फाइव दे रखा है, प्लस वन अपॉन आर बाई फाइव दे रखा है, प्लस वन अपॉन आर बाई फाइव दे रखा है। एक दो तीन चार, एक और जोड़ना है वन इस तरीके से। क्लियर है, फिर अपन यहां लिखते हैं वन अपॉन आर डेस इक्वल टू इसका अपन इस पांच को अपने ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो फाइव बाई आर हो जाएगा, फाइव बाई आर क्लियर है। अब इसको भी निकालेंगे आप वन अपॉन आर डेस इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा अपने पास आर आएगा, आर को आर से डिवाइड कितना आएगा वन, तो फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई आर। यानी ध्यान रखिए अपने पास ये क्या आया है, इसका मान आइए ध्यान रखिए वन अपॉन आर डेस इक्वल टू 25 बाई आर आपने पास किया आ चुका है। अगले ने पूछा क्या है, ये देखिए अगले ने ये पूछा है आर अपॉन आर डेस कितना होगा, क्या पूछा है कि आर अपॉन आर डेस कितना होगा। इस आर को अपन इस आर के से ऊपर लेके जाए तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं आर अपॉन आर डेस इक्वल टू 25। ये अपने पास आंसर है आर अपॉन आर डेस इक्वल टू 25, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन क्या आएगा सही आएगा। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन 101% गलत करके आते हैं स्टूडेंट, इसको आर बाई फाइव देखकर इसको बिल्कुल नहीं करते हैं। और वो क्या आंसर कैसे निकालते हैं इसका देखो, ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट क्या समझता है ए पीस ऑफ वायर ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू फाइव इक्वल पार्ट, वो समझता है कि पांच टुकड़े कर दिए तो प्रत्युत आर ही रहना है, तो वो क्या निकाल देते हैं कि वन अपॉन आर डेस बराबर वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर निकालता है, और वन अपॉन आर डेस बराबर क्या निकाल देते हैं आर वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन फाइव बटा आर, इस आर को पड़ जाएगा कि आर अपॉन आर डेस बराबर पांच। और पांच पे आप टिक करके आते हो जो 101% क्या हो जाता है गलत हो जाता है, इसलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी साफ साफ कहना कि एक तार का टुकड़ा है, और आपको बार बार कहता हूं ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, तो इसको जब हमने पांच टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया तो प्रत्येक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना रहेगा स्टूडेंट आर बाई फाइव रह गया है। इस तरीके से अपने सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आर अपॉन आर डेज बराबर कितना आएगा 25 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए करंट ऑफ 2 एम्पीयर फ्लो थ्रू ए 5 वोल्ट बैटरी देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी, देखिए इस तरीके का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, सबसे पहले आपने दिया है उसे गिवन डाटा को लिख दिया, एक एक को लिख दीजिए इफ ए करंट ऑफ 2 एम्पीयर, यानी सबसे पहले हमने आई की वैल्यू दे रखी है वो 2 एम्पीयर दे रखी है, एक का मतलब एम्पीयर थ्रू ए 5 वोल्ट बैटरी, यानी वी की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट हमें 5 वोल्ट दे रखा है, कितना दे रखा 5 वोल्ट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर हमें पूछा है कि उस चालक का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमने लिख लिया। तो ओम्स के लॉ अकॉर्डिंग क्या होता है V इज इक्वल टू I इंटू आर, ठीक है, और यहां क्या निकालना है R निकालना है, R इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा V अपॉन I से निकाल देंगे, V की वैल्यू कितनी रखी है 5, I की कितनी रखी है 2, तो R का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2.5 ओम। इस तरीके से क्या निकाल दिया हमने इसका आंसर निकाल दिया, ये अपना क्वेश्चन नंबर था 5, कितना है इसका आंसर 2.5 ओम आएगा। नंबर 6 अपना क्या है, ए चार्ज ऑफ 2 कूलॉम
फ्लो फॉर 0.5 सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द सर्किट इन एम्पियर बीपी, यानी इसके अंदर क्या दिया है, क्या पूछा था। सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, वही गिवन डाटा अपने पास क्या है, ए चार्ज और टू कूलॉम, यानी हमें आवेश दिया है, चार्ज दिया कितना, टू कूलॉम दिया है, क्लियर। फ्लो फॉर 0.5 सेकंड, यानी हमें टाइम दे रखा है, टी बराबर 0.5 सेकंड दे रखा है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द सर्किट इन एम्पियर विल बी, यानी इसके अंदर एम्पियर किसका मात्रक होता है, यूनिट धारा का, यानी हमें एम्पियर आई हमें पूछा है। तो इन तीनों से हमें ऐसा फॉर्मूला लाना है जिसके अंदर क्या है, ये क्यू आई और टी आई। तो हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ाना स्टार्ट किया था टॉपिक, तो वहां पर फॉर्मूला लिखा था आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं, यानी हमने वहां एक फॉर्मूला पढ़ा था आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या बोलते हैं, धारा कहते हैं। तो यहां से अपन क्यू का मान क्या रखेंगे, टू कूलॉम, और इस टी का मान कितना है, 0.5 सेकंड। तो दो के अंदर अपन 0.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर, ये इसका आ गया अपने पास आंसर, क्लियर हो गया स्टूडेंट। यानी क्यू का मान हम टू कूलॉम दे रखा है, टी का 0.5 आई निकालता है बराबर क्यू अपॉन टी से, 2/0.5 इनटू 0.5 से डिवाइड किया आंसर कितना आएगा, 4 एम्पियर। एम्पियर क्या है, इसकी मात्रक है, यूनिट है किसकी, एम्पियर किसका है, करंट की है। ये क्वेश्चन नंबर अपना था 6, फिर क्वेश्चन नंबर 7, ये इसका आंसर क्या जाएगा, ये वाला सेकंड सही है। इफ करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर, ये ध्यान रखें इसमें क्या लिखेगा, 10 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 0.2.5 वोल्ट इज प्रोड्यूस इन इट्स एंड, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्शन वायर। यानी सबसे पहले अपने वही तरीका अपना वही रहेगा, सॉल्यूशन नंबर 7 तरीका वही रहेगा, सबसे पहले आप जो गिवन डाटा है वो लिखें, क्या क्या हमें दे रखा है। सबसे पहले इफ करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर, यानी आई का वैल्यू हमें दे रखी है, आई क्या दे रखी है, 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर हमें यूनिट सेम रखनी है, मिली को उठाना है, तो मिली को आप उठाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10 × 10⁻³ एम्पियर, कितना जाएगा, 10 × 10⁻³ एम्पियर थ्रू ए कंडक्टिव वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमें V दे रखा है, V ए बी आप इस वक्त V लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 2.5 वोल्ट दे रखा है। एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, यानी हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है इसका, तो क्या है, V देर का, I देर का है, हमें R इसमें निकालना है, तो ओम्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R होता है, सबके याद है ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला, अपने सबके याद है, ठीक है। तो अपन क्या निकाल सकते हैं इसे, V की वैल्यू क्या दे रखी है, 2.5, I की वैल्यू हमें दे रखी है, R हमें कैलकुलेट करना है, तो इससे अपने पास R का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V अपॉन I बन जाएगा, क्या बन जाएगा, V अपॉन I बन जाएगा। V की वैल्यू कितनी दे रखी स्टूडेंट, 2.5 दे रखी है, और I की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 × 10⁻³ ये दे रखा है। जब इसको अपन 10⁻³ को अपन ऊपर लेके जाएंगे और इससे अपन गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2.5 × 1000 / 10, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2.5 को भी आप 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना जाएगा, 250, क्या ज्ञात करना है हमें, सही ओम आएगा इसका, ये अपने पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 250 ओम, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी जूल्स ऑफ वर्क्स विल बी डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलॉम बिटवीन 2 पॉइंट्स एट पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। हमें गिवन डाटा, सबसे पहले हम जो दे रखा है क्या पूछा है उसका अपन निकालेंगे, क्योंकि हम रात को कुछ सोल्व करते हैं,
तो सबसे पहले हमें क्या रख रखा अगले ने, चार दे रखा है। क्यों दे रखा है? आवेश का मान वैल्यू दे रखी है, हमने कितना दे रखी है 3 कूलम लिख दिया। और वोल्टेज कितना दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा है। V बराबर कितना दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा है। और हाउ मेनी जूल ऑफ वर्क, यानी हमें वर्क पूछा है, कार्य हमें पूछा है। तो हमने एक फॉर्मूला यदि आपको आ रहा है तो हमने बताया था कि इनफाइनाइट से पॉजिटिव चार्ज करिए, एकांक यूनिट जो पॉजिटिव चार्ज था उसको किसी पॉइंट तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ रहा था वो क्या कह रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता था। यदि आपको याद आ रहा था हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि यहाँ से प्लस टू, यहाँ से वोल्ट ए तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ रहा है वो क्या कहलाता था, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता था। इधर है तो यहाँ से अपनी V बराबर क्या फॉर्मूला था वहाँ पर कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्या था, क्यू था। यहाँ पर निकालना है क्या, W निकालना है, इससे W का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क का बन जाएगा V इंटू क्यू से बन जाएगा। तो V का मान कितना देगा स्टूडेंट 10, इसका मान कितना देगा है 3, तो क्या निकालेंगे अपन 10 इंटू 3 कितना निकल जाएगा 30 जूल। कितना आंसर आ जाएगा इसका अपने पास 30 जूल इसका अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 9 अपन दे रखा है इसको मैं इधर कर देता हूँ, इसको इसी के नीचे में सॉल्व कर देता हूँ ताकि अपन 9 क्वेश्चन सॉल्व करने में जगह मिले। इसको अपने V इक्वल टू क्या लगा था अपने W अपॉन क्यू से, और W का फॉर्मूला आएगा V अपॉन V इंटू क्यू से, V का मान 10, क्यू का मान कितना अपने 3, इसको कितना आएगा तीस, तो W का कितना हो जाएगा 30 जूल। ये अपने पास इसका आंसर देगा, ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे अपन 9 का। ये कह दिया गया था रेजिस्टेंस ऑफ 3, 4 and 5 ओम आर जॉइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं, ध्यान रखें इसको मिटाई करना पड़ेगा, इसको अपने यहां से मिटा देते हैं एक बार ना, इसको थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन होगा इसका यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, अब देखते क्या देता है, दैट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर जॉइंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन ए सर्किट, दिस कॉम्बिनेशन इज अटैच्ड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, डिटरमाइन द फॉलोइंग, यानी एक हमें सर्किट बनाना है जिसके अंदर 3 प्रतिरोध है उनको सीरीज क्रम में जोड़ता है, और एक बैटरी कितनी दे रखी है 6 वोल्ट की हमें दे रखी है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, तो देखिए पहले हम ये 3 प्रतिरोध बना लिए इस तरीके से, एक बैटरी से जुड़े हुए हमने बैटरी लगा दी, मान के दे रखा प्रतिरोध 3, द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम 4 ओम एंड 5 ओम, ये आ गया अपने पास 3 ओम 4 ओम, ये क्या गया 5 ओम, और वोल्टेज बैटरी का कितना देगा 6 वोल्ट की बैटरी है, ये हमने लिख दिया इधर धारा जा रही है आई, और यहाँ लिख दिया 6 वोल्ट। इधर है ये सर्किट हमारे पास बन गया। अब क्या पूछा है, डिटरमाइन द फॉलोइंग, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा सर करंट इन ईच रेजिस्टेंस, तो आपको करंट बतानी है। सबसे पहले तो आप इसका कोई भी यदि आपके पास सर्किट आता है स्टूडेंट ध्यान दें, कोई भी सर्किट आता है तो सबसे पहले इसका आप एक बनाओ, यानी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहले आपने जो फॉर्मूला बनाया है इसका आर इक्विवेलेंट हमें निकालना पड़ेगा, तो आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, सीरीज में है ना, तो 3 + 4 + 5 बराबर कितना हो जाए 12 ओम। क्लियर है? ये हमने तीनों को क्या कर दिया, हमने एक हमने बना दिया, यानी जहां हमें आर काम में लेना वहां पे ही काम में लेना। अब पूछा क्या है इसके अंदर करंट इन ईच रेजिस्टेंस, यानी प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर धारा का मान पूछा है, ध्यान रहे सीरीज क्रम के अंदर धारा का मान सभी प्रतिरोध के अंदर क्या था, समान था। तो आप क्या लिख सकते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इन ऑल रेजिस्टेंस विल बी सेम
सभी में क्या होती है, सेम होती है। और v बराबर i इंटू आर से अपन i का यदि मान निकालेंगे तो कैसे निकल जाएगा, i इज इक्वल टू v अपॉन आर इक्विवेलेंट। v का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। इक्विवेलेंट r इक्विवेलेंट कितना निकाला हमने, 12 निकाल दिया। कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर आ गया। ये पहला आ गया करंट इन ईच रेजिस्टेंस, क्लियर है, 0.5 एम्पियर। यानी इसके अंदर जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितनी जाएगी धारा, यहाँ जो धारा जा रही है आई बराबर 0.5 एम्पियर जा रही है, सभी प्रतिरोध के अंदर जाएगी चाहे कोई भी प्रतिरोध हो। अब क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है सभी के अंदर, यानी इसके ऊपर V1 है, इसके ऊपर V2 है, इसके ऊपर क्या है V3 है, इसका हमें मान निकालना है। क्योंकि सीरीज के अंदर क्या देखा था हमने, करंट सब में सेम थी, बल्कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो प्रतिरोध के अकॉर्डिंग क्या था, अलग अलग था। तो हम यहां निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ 3 ओम, यहां लिख सकते अपन बिटवीन एंड्स ऑफ 3 ओम, 3 ओम का जो प्रतिरोध है उसके सिरों पर कितना वोल्टेज होगा, तो वो होगा V1 इक्वल टू IR, क्लियर। I तो सब में क्या है सेम है, R1 का मान हमें पता है, तो I की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, सब जगह 0.5 रखेंगे, 0.5 इंटू R1 का मान कितना दे रखा है 3, ये कितना देगा अपने पास 1.5 वोल्ट, ठीक है। दूसरा बिटवीन एंड्स ऑफ 4 ओम, 4 ओम का प्रतिरोध है उसके शुरू में वोल्टेज कितना दिखा रहा हमने V2, तो V2 का क्या देगा I इंटू R2, I का मान कितना है 0.5, R2 का मान कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 4 देर का है, इसका कितना आ जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगा। फिर अपन तीसरा निकाल दें बिटवीन एंड्स ऑफ कितना है 5 ओम है, तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स V3 इक्वल टू IR3, I का मान अपने पास कितना है 0.5 है, R3 के लिए कितने की है 5 दे रखी है, ये कितना देगा स्टूडेंट 2.5 वोल्ट। ये क्या पूछा, दूसरा क्वेश्चन क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस, यानी प्रत्येक प्रतिरोध के शुरू पर जो क्या नाम करना है, प्रतिरोध के शुरू पर वोल्टेज कितना है। अब ध्यान रखें ये 6 वोल्ट था, इन तीनों के शुरू पर अलग अलग निकाल दे, टोटल भी 6 ओम आना चाहिए, देख रहे 6 वोल्ट आना चाहिए, 2.5 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये टोटल कितना आ रहा है 6 है, तो ये दूसरा अपने पास आंसर आ चुका है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर इफ 0.5 एम्पियर करंट, 0.5 एम्पियर करंट, यानी हमें सबसे पहले वही आपको क्या लिखना है, सबसे पहले कोई चीज अपने उसी क्रम में चल रहा है, गिवन डेटा क्या है दिया है 0.5 एम्पियर करंट है, मतलब I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर में दे रखा है, फ्लो थ्रू इट एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट, यानी V का मान दे रखा है 2 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज प्रोड्यूस अक्रॉस इस एंड, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, पूछा क्या हमें R का मान पूछिए कि R की वैल्यू क्या है, तो अपन शॉर्ट में वही तरीका अपना क्या निकाल सकते हैं, V इक्वल टू क्या होता है I R होता है, और यहाँ इसी फॉर्मूले से भी अपना R की वैल्यू निकालेंगे तो V अपन क्या स्टूडेंट हो जाएगा I, V की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2 वोल्ट दे रखी है, और I की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 दे रखी है, तो क्या आ जाएगा इसका, इसको 2 से 0.5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 4 ओम, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। फिर सॉल्यूशन नंबर 11 में क्या देखा, देखिए ए रेजिस्टेंस कॉइल ऑफ नाइक्रोम ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, यानी सबसे पहले आप देखो गिवन डेटा वही चीज अपन लिखनी है, सीक्वेंस नहीं तोड़नी है, आर कितना देर का हमें 50 ओम,
है रेजिस्टेंस कॉइल ऑफ माइक्रोम ऑफ रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 50 ओम दे रखा है, इज जॉइंट टू ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, यानी एक बैटरी है जिसका कितना वोल्टेज है 10 वोल्ट है, V इक्वल टू 10 वोल्ट हमें दे रखा है, द करंट इज पास थ्रू इट फॉर 1 आवर, यानी T हमें कितना दे रखा है 1 आवर दे रखा है, इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, तो 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, तो कितना हो जाएगा 60 × 60, यानी आप तुम क्या कर सकते हैं 3600 सेकंड, क्लियर। 1 आवर डिटरमाइन द प्रोड्यूस हीट, यानी हीट पूछा है, एच हमें पूछा है, क्या पूछा है एच हमें पूछा है, हीट पूछा है, तो हमें जूल का जो हीटिंग लॉ हमें पढ़ा था स्टूडेंट्स, यदि उसमें याद आपको आ रहा है तो हमने एच बराबर आई स्क्वायर आर टी एक फॉर्मूला हमने निकाला था, ठीक है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी फॉर्मूला हमने निकाला था। यहाँ पर देखो आई की वैल्यू नहीं दे रखी है, किसकी दे रखी है आर की दे रखी है, टी की दे रखी है, वी की दे रखी है, तो आई को आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो आई का मान क्या लिख सकते हैं वी अपोन आर लिख सकते हैं, तो एच बराबर आई को हमने किससे किया वी अपोन आर का होल स्क्वायर कर दिया इंटू आर टी कर दिया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा एच बराबर क्या आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा इंटू आर टी, एक स्क्वायर टी आर कट गया, तो अपना एच इक्वल टू क्या फॉर्मूला जाएगा स्टूडेंट वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ये अपने पास फॉर्मूला बन चुका है। अब इसके अंदर आप वैल्यू रख सकते हैं, वी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 10 है, कितना है 10, तो 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर हो गया ना 10 इंटू 10, ठीक है, ये अपने पास हो गया, वी की वैल्यू उसमें रखा आपने 10, और टी का मान कितना देगा स्टूडेंट 3600, तो इंटू 3600 सेकेंड हमें दे रखा है, ठीक है, और फिर नीचे क्या दे रखा है इसके अंदर आर की वैल्यू कितनी दे रखी स्टूडेंट हमें क्या दे रहा है 50, ये हमें कर लिया 50। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन किस तरीके से आप सोल्व कर लोगे इसको, ठीक है, अब इसको आप सोल्व करेंगे, देखिए एक से ये काटो और एक 5 से एक इधर 2, क्लियर है, यहां से 2 आ गया, 2 × 36 कितना हो जाएगा बोलिए एच इक्वल टू 7200 जूल, कितनी उसमें हीट आएगी 7200 जूल, इसका आंसर ये आ चुका आपके पास, क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं, 12 क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, यानी वी की वैल्यू हमें वही सॉल्यूशन नंबर 12 गिवन डाटा लिखे स्टूडेंट क्या है, सबसे पहले V की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 220 वोल्ट दे रखी है, सप्लाई एंड ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इन I की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है स्टूडेंट 0.5 एम्पीयर हमें दे रखी है, व्हाट इज द पावर ऑफ द फैन, यानी इस पंखे की हमें शक्ति पूछी है, ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला यदि आपको याद आ रहा है P बराबर V इंटू आई हमने निकाला था, क्या निकाला था P इक्वल टू V इंटू आई निकाला था, ठीक है, और V की वैल्यू हम यहां से कितनी रख सकते हैं स्टूडेंट्स 220 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पीयर थी, जब 220 को 0.5 से यदि करेंगे तो यहां पर P इक्वल टू कितना आ जाएगा 110 वाट, ये इसका आंसर आ गया, यानी शक्ति हमने निकाल दी वो कितनी आ गई इसके अंदर P बराबर कितनी आ गई है 110 वाट अपने पास आ चुकी है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 जो है वही तरीका अपना, सबसे पहले हमें
गिवन डेटा हमें लिखना है। जब गिवन डेटा आपके समझ में आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी वे के अंदर क्या हो जाएगा, सोल्व भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर देखिए, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर ज्वाइन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये क्या लिखा है ये देखिए। सबसे पहले आप इसका सर्किट बना लें बहुत अच्छा सा एक, ताकि सोल्व करने में अपने क्या है कोई दिक्कत नहीं आए। इसके अंदर 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, किस क्रम में जुड़े हुए हैं, पैरेलल के अंदर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने निकाल लिया हमने ये वाला 1 2, ये इस तरीके से हमने इनको सीरीज के अंदर हमने सॉरी पैरेलल के अंदर हमें जोड़ दिया 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब अगले में क्या जाएगा, नेक्स्ट पढ़िए आगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ वी कनेक्टेड द कॉम्बिनेशन विद ए 6 वोल्ट बैटरी, तो यहाँ पर हमें जो बैटरी लगानी है वो कितनी वोल्ट की स्टूडेंट्स, ये है 6 वोल्ट। इस तरीके से हमने सर्किट हमने तैयार कर लिया 6 वोल्ट बैटरी। देन डिटरमाइन द फॉलोइंग, सबसे पहले आपको ज्ञात करना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यदि ये नहीं भी देता तो भी हमें निकालना पड़ता क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसको आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसमें धारा कितनी कर रखी है हमने, आई कर रखी है, ठीक है। इधर जाते देखो पैरेलल हो गया दोनों में जाएगी, इसके अंदर मान सकते हैं I1 होगी, इसके अंदर क्या हो जाएगी I2 हो जाएगी, इसके अंदर क्या हो जाएगी स्टूडेंट I3 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें ए दे रखा है आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो सबसे पहले इसको हमें आर इक्विवेलेंट निकाल दिए, किसके अंदर है पैरेलल के अंदर है, किसके अंदर है पैरेलल के अंदर है, जो समानांतर क्रम के अंदर है स्टूडेंट्स। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसका एक पॉइंट आ गया आर इक्विवेलेंट 1/r इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, तो 1/r1 1/1 + 1/2 + 1/3, फिर इसका वो एलसीएम लेते हैं कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा +3 + 2, ठीक है। आगे अपने पास ये आ जाएगा 11/6 आ जाएगा, और यहाँ से अपने लीजिए किसका है r/r इक्विवेलेंट का 1/r इक्विवेलेंट का है, तो ये r इक्विवेलेंट यदि अपन निकालें कितना आएगा 6/11, ये पहला आंसर आ गया, क्लियर है। यानी टोटल जो प्रतिरोध हमने निकाला तीनों का, तो निकाल लिया 1/1 1/2 1/3 को तीनों को हमने सम किया तो 6/11 अपने पास आ गया। अगला बच्चा करंट इन सर्किट यानी सर्किट के टोटल करंट कितनी है, टोटल करंट कितनी जाएगी, बी पॉइंट अपने पूछ क्या पूछ रहा है टोटल करंट, यानी सर्किट के इस आई का मान आई की वैल्यू क्या है, तो I बराबर क्या होता है यानी V बराबर अपने किस फॉर्म से लिखेंगे V बराबर इंटू I क्या होता है I इंटू R से भी अपन देखेंगे तो I बराबर क्या होता है क्या हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा, क्या हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा। V की वैल्यू स्टूडेंट कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, R की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 6/11 निकाली है, तो हम यहाँ फॉर्मूला इसके अंदर रखेंगे I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी रखेंगे स्टूडेंट 6 आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/11, तो अपन कैसे लिख सकते हैं 6 × 11 ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा ए, इससे ये कट जाएगा तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आई की 11 एम्पियर आ जाएगी। यानी अपन यहाँ लिख सकते हैं आई इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 11 एम्पियर, ये अपने पास दूसरा क्वेश्चन आ गया जो सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद में क्या पूछा है करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पर हमें इस रेजिस्टेंस कितनी धारा इसमें कितनी करंट इसमें कितनी, यानी I1 I2 I3 हमें निकालना है ना, तो यानी रेजिस्टेंस में निकालने यानी कौन कौन से प्रतिरोध है उसके अंदर हमें धारा का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो अपने सी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सी के अंदर करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा है 1 ओम, यानी करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस, तो 1 ओम में आई का फॉर्मूला अपने पास कौन सा लगेगा स्टूडेंट, ये लगेगा वी अपॉन आर की जगह अपन क्या रख सकते हैं R1 रखेंगे, तो यहां क्या रख सकते हैं I1 = V / R1 रखेंगे,
वी की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है अपने पास 6 है, और आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट अपने पास, आर वन की वैल्यू कितनी है 1 ओम है, यहाँ 1 रखा कितना आंसर आ जाएगा 6 एम्पियर आ जाएगा। देखो टोटल अपने पास कितनी आई है, आई 11 एम्पियर है, इन तीनों के अंदर निकाले टोटल 11 ही आनी चाहिए, वो भी अपन ध्यान रखना चाहिए। फिर अपन निकाले इसके अंदर करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस यानी I2 इक्वल टू क्या जगह V अपॉन R2 हो जाएगा। V का मान हुआ अपने पास 6 है, R की वैल्यू कितनी R2 की 2 है, ये कितना आ जाएगा अपने पास 3 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है। फिर अपन तीसरा निकालेंगे करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस यानी I3 इक्वल टू V अपॉन R3, V की वैल्यू स्टैंड वोल्ट 6 वोल्ट है, R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 ओम है, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। इन तीनों को यदि अपन जोड़े तो वही 11 आ जाए, 6 + 3 + 3 = 2, 6 × 3 = 11, ये अपने पास 11 एम्पियर आ गया। तो इस तरीके से ये अपना तीसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। यानी टोटल प्रतिरोध निकाल लिया, उसके बाद में टोटल धारा निकाली, प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर भी हमने क्या कर दी है धारा निकाली है। अब इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन। ये स्टूडेंट अपना इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या है देखो, इस क्वेश्चन में क्या है अपने को बिजली का जो बिल आता है ना अपने घरों के अंदर, उसकी कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं। इसके अंदर हमने कोई 2 जोड़ रखे हैं, वैसे आपको हो सकता है 4 जोड़ा ले तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। आपको जिस तरीके से हम 2 का कर रहे हैं, आपकी बुक में 1 ही दे रखा है लेकिन हम 2 का निकाल रहे हैं। 2, 3, 4 जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपको जोड़ रखे हैं डिवाइस, उनका सबका निकाल सकते हैं। जिसका लिख रखा है एन इमर्जन लोड ऑफ 1500 वाट इज यूज टू हीट वाटर 430। ये क्या कर रहा है कि अपने घर के अंदर जो पानी गर्म करने वाला जो रोड जो होती है उसकी पावर दे रही है 1500 वाट, और उसको अपन पर डे जो है 3 घंटे काम में लेते हैं। क्या करते हैं, जो पानी गर्म करने वाली छत जो होती है, रोड जो होती है, उसको पर डे अपन 3 घंटे काम में ले रहे हैं पानी गर्म करने के लिए। तो ये तो एक दे रखा है, आपकी बुक में एक ही दे रखा है, ये बल्ब का मैंने 7 वो जोड़ दिया, एंड ए बल्ब ऑफ 100 वाट इज यूज टू लाइट 4-5 आवर डेली। यानी एक बल्ब है अपने घर के अंदर जो 100 वाट का है, उसको अपन 5 घंटे जलाते हैं, मतलब लाइट के लिए अपने इसको 5 घंटे यूज कर रहे हैं। क्लियर। रोड को जलाते हैं 3 घंटे पर डे, बल्ब को जलाते हैं 5 घंटे पर डे। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ₹5, यानी 1 यूनिट जब बिजली खर्च होती है तो उसकी जो कॉस्ट दे रखी है 5 रुपये दे रखी है, कितनी दे रखी है 5 रुपये दे रखी है। देन वाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ द कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2-30 डेज, यानी अपने 1 महीने का बिल काउंट करना है। फिर समझाता हूँ क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि एक तो हमें रोड दे रखी है पानी का गर्म करने वाला छड़ है जिसको अपन 3 घंटे पर डे चलाते हैं। क्लियर है। और एक हमने घर के अंदर बल्ब लगा रखा है जिसको अपन पर डे 5 घंटे चलाते हैं। बल्ब की पावर दे रखी है 100 वाट और रोड की दे रखी है 1500 वाट दे रखी है। क्लियर है। और हमें 1 यूनिट का चार्ज बता रखा है 5 रुपये, तो 30 दिन के अंदर बिजली का बिल कितना आएगा, सीधी सीधी ये पूछ रखा है। यानी सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि रोड की कितनी यूनिट खर्च हुई है 1 महीने के अंदर और बल्ब ने कितनी यूनिट खर्च करी। यूनिट को स्टूडेंट अपने लिखा था किलो वाट आवर, कि याद आ रहा आपको 1 किलो वाट आवर अपने कहा, इसको हमने क्या लिखा था 1 किलो वाट आवर को हमने क्या लिखा था, यूनिट लिखा था। क्या लिखा था, 1 किलो वाट आवर को हमने क्या लिखा था, 1 यूनिट लिखा था। इसलिए आप कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए बिल्कुल। सबसे पहले अपन लिखेंगे यूनिट कंज्यूम्ड, यूनिट कंज्यूम्ड बाय रोड, यानी रोड के द्वारा कितनी यूनिट जो बिजली है वो खर्च की जाएगी। सबसे पहले अपने कितना भी करके आप अलग अलग निकालने के लिए एक साथ जोड़ देना सबके, जैसे भी निकाले तो कितनी यूनिट, यानी किलो वाट आवर निकाल, ध्यान रखिए किलो वाट आवर निकालना है, किलो वाट आवर निकाल, ये हमें दे रखा वाट, इसका अपन किलो बनाएंगे, वाट का अपन क्या बनाएंगे किलो बनाएंगे, तो अपने 1000 से क्या करेंगे 1000 को डिवाइड करेंगे तो क्या निकालेंगे अपन, ये दे रखा अपने 1500 है ना, तो ये अपॉन 1000 ये क्या आ गया किलो वाट इंटू हावर, कितने घंटे यूज टू हीट वाटर 3 आवर, कितने घंटे दे रखा है इसके अंदर 3 घंटे, 1 दिन का दे रखा है, 1 दिन कितने घंटे 3 घंटे, कितने दिन चलाएंगे 30 डेज,
कितने दिन चलाएंगे? 30 डेज। ये तो हॉर्स डे का इनटू 30 डेज, क्लियर? ये अपने पास इसकी आ गई। तो आप इसको देखो, एक दो तीन, यानी ये तीनों बिंदु कट से कट गई अपने पास। तो इसकी कितनी आ गई है? 15 × 3 × 3, तो कितने आ जाएगी? गुणा करो इसको आप, 15 से 3 को करेंगे कितना? 45 का 3 से करेंगे कितना गया? 135। कितने आ जाएगी? 135 किलोवाट आवर, यानी 135 यूनिट एक महीने के अंदर कंज्यूम कौन करेगा? ये रोड करेगी। क्या लिखा? यूनिट कंज्यूम बाय रोड, ठीक है? तो 1500 × 1000 का डिवाइड कर दिया तो किलोवाट हो गया। फिर 3 hours है, एक दिन में चलता है, 3 घंटे, 30 दिन में कितना? 30 से हमने गुणा कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया? 135 किलोवाट आवर। दूसरा आपने बल्ब लगा रखा है, कितना भी आप तो डिवाइस लगा रखे आप इसी तरीके से निकालेंगे। फिर लिखेंगे आप यूनिट कंज्यूम बाय बल्ब, क्लियर है? अब फैन जोड़ रखा है, फैन की जोड़ दो, फ्रीज दे रखा, फ्रीज, एसी, कूलर, एक्स वाई जेड जो भी आपको दे रखा आप इसी तरीके से भी कैलकुलेट करते जाएंगे। फिर टोटल यूनिट निकालेंगे। तो भाई किसके द्वारा? बल्ब के द्वारा कैसे निकालेंगे? कितना वाट दे रखा है? 100 वाट दे रखा है। तो फिर निकालेंगे 100/1000, ये किलो वाट हो गया, क्लियर? इंटू पर डे कितना चलता है? 5 hours, ये हमें दिया 5 hours, इंटू 30 डेज, ठीक है? तो ये 1, 2, 3, क्लियर? अब कितना आ गया यहां पर? यहां 1, 5 और क्या हो गया? 3। ये कितना आ जाएगा? 15 किलोवाट आवर, यानी ये 15 यूनिट बिजली खर्च करेगा कौन? बल्ब एक महीने के अंदर। तो टोटल यूनिट कितनी कंज्यूम हो जाएगी? टोटल यूनिट कंज्यूम 135 प्लस 15 कितना हो जाएगा साहब? 150 किलोवाट आवर, 150 यानी 150 किलोवाट आवर बिजली क्या होगी? खर्च होगी। पर यूनिट कॉस्ट कितनी दे रखी है अपने को? बोलिए, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है अपनी? यहां दे रखा है, ये देखिए, इसके अंदर कॉस्ट तो 1 unit ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ₹5 पर यूनिट कॉस्ट कितना है? ₹5, ठीक है? तो टोटल अपन कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ 30 डेज, या टोटल कॉस्ट लिख दें आप, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी अपने पास? 5 × 3 अपने पास 150, तो 150 किलोवाट आवर, ठीक है? अब इसको आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? ठीक है, कितने आ जाएंगे? 5 घंटे per day, एक रोड चलाएंगे 3 घंटे per day, क्लियर? तो एक महीने का बिल आएगा अपने पास ₹750, ₹750 कब आएगा? जब एक यूनिट की क्या हो? ₹5 चार्ज हो। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन निकाल देते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें 3 भी जोड़ सकते हैं, 4 भी, 5, जितने भी जोड़े आप, पर अलग अलग यूनिट निकालें, सारी यूनिट जोड़ दें और उसको पैसों से कितना जो भी आपको जो चार्ज दे रहा था उससे आप क्या कर दें? गुणा कर दें। तो स्टूडेंट्स, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी प्लस इसके न्यूमेरिकल संबंधित जो भी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। यदि इनमें कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, यदि वीडियो पसंद आता तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।